चारों रूप से जब आगे पहुंचने का बस को शुरू कर दिया, लेकिन तब देख ले अपनी बारह धीरे धीरे सुबह सुबह ये पिटता मोटे चोरी करके घर में मैं से दबा गया था। अंदर वो खाता नहीं, बस छुपा के रखता है। हम लोग ने बताया क्योंकि उसको पता था हम लोग उसके पीछे गिर जाते, इसलिए टमाटर नहीं देते क्योंकि मैंने देखो पड़ा था टमाटर उसके जो बीज होते हैं वो बॉक्स के लिए अच्छे नहीं होते हैं, जो मार्क है सब चीज को मैं लेकर बट वो खाता नहीं ऐसे मैंने जब तो फेंक देता है। चोर तो है लेकिन अब पड़ा तो अभी मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें भुवनेश्वर जाती हूँ। मैं एक तो गुडवे का फिट टू ट्रैवल का सर्टिफिकेट निकालना है, मैं अपने फ्रेंड से मिलूंगी जो मेरे कॉलेज के हैं जिस लाइन में आई हूँ, तो उसके मिलूंगी उसको लेकर मैं सब सर्टिफिकेट ला ले जाऊंगा डॉक्टर के पास, फिर उन्होंने थोड़ा मिल के कुछ खा पी के वापस। इतनी धूप में इसका जो घूमने का शौक है वो खत्म नहीं हो रहा, और अभी मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ आने के घर के बाहर, और यहाँ पे लगती है तो उसके बाहर इंतजार कर रही हूँ। वो उधर गुडलू का चाहती है बहुत अच्छे से, गुडलू भी उसका बहुत अच्छे से है और वो बहुत ही गुडलू को प्यार करती है, जब भी मिलती है कुछ ना कुछ उसके लिए लेते ही घूम आती है। अब आ गई हीरोइन हमारी अन्वेषा, अब गई मिलने गुडलू से, अब उनकी शुरू हो गई हरकतें। गुडलू आनी कहाँ है, बस एक एक ही चीज पूछने लगती, पहले ये बहुत डरती थी इससे, अब देखो इनका प्यार। गुडलू बिन गुडलू बिना किसी के बातें सुनते हुए वो अपना हरकतें कर रहा है, परेशान कर रहा है। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं टारजो, एक भुवनेश्वर में मैंने सुना है कि बहुत अच्छा पेट केयर है। यहाँ हम पहुँच चुके हैं वो हॉस्पिटल में, बट यहाँ पे पहुँचने के बाद मैं देखती हूँ बहुत ही अनहाइजेनिक है, पता नहीं किससे कंसल्ट करना है क्या करना है। कोई बोल रहे बाहर वेट करो, कोई कुछ करो, इतने में मैं इधर उधर उसको घुमा रही थी। यहाँ मुझे हो चुके थे ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट पर किसी से मुझे बात नहीं हो पा रही थी कि क्या करना है। मैं बाहर लेके खड़ी थी, एक भैया वहाँ थे, बोले कि आप यहाँ पे वेट करो, डॉक्टर सर अभी नहीं है, वो आएंगे तो आप जा सकते हो अंदर, उनसे बात कर लेना। मैं फिर बार बार दो चार सवाल पूछती रहेगी पर कोई जवाब तो मिल नहीं रहा था मुझे। फिर मैं इनको गुडलू को लेके जब यहाँ पे आई तो डॉक्टर ने देखते ही बोल दिया कि आप उसको ब्लड टेस्ट कराओ, ये कराओ, उसके अलावा हम फिट टू ट्रैवल नहीं दे सकते। मैंने जब थोड़ा बहुत रिसर्च करा मुझे पता चला फिट टू ट्रैवल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, जो मैं दिल्ली से भी बना के लेके आई थी और मैं नेट पे भी चेक करा, ये प्रोसीजर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम फिर दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे थे यहाँ से कि हम वहाँ पे देखें, तो ऐसे मैंने एक दो डॉक्टर से मैंने फ़ोन पे भी बात करा, कुछ हुआ नहीं। एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं अभी हम वापस कि चलो वो दे दे रिपोर्ट। हमें यहाँ पे पेट जू करके और एक डॉक्टर है यहाँ भुवनेश्वर में, उनका कंसल्टेंट मिल गया था, उन्होंने वेट बस सर्टिफिकेट ही मांगा जो इसकी वैक्सीनेशन का, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने वेट चेक करा, ब्रीड वगैरह सब कुछ चेक करा, इसके एक्टिविटीज ऑब्जर्व करे एंड ही इज रेडी टू प्रोवाइड अस फिट टू ट्रैवल सर्टिफिकेट। इसके बाद हम एन को जा रहे हैं उसके घर ड्रॉप करने, और हम यहाँ पे पहुंच चुके उसके घर। बाय बाय हमने बोला एक दूसरे को, फिर वो चली गई अपने घर। कितना बार बोल रही है देख लो उसको। आज के ब्लॉग में ज्यादा कुछ वीडियो एडिटिंग करा है, मैंने पूरे इनकी हरकतें देखा, देख लो इसके ड्रामा ही नहीं है। आज ऐसे हो रहा है पूरे दिन मेरी पहुंच आ चुकी है, और अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे मामा के घर, मेरी मम्मी के प्लेस में, छोटे मामा की तरफ से आज डिनर का इन्विटेशन है। पहुंच चुके हैं मेरे मामा गांव, ये देखो बाबा का लाला कैसे बैठा हुआ है उनके ऊपर, असली सा इसको फीवर फीवर सा है, उसको कल नहीं मिला था बीच में इस वजह से थोड़ा डर लग रहा है। और यहाँ पहुंचते ही सबसे हम लोग मिले और बहुत अच्छा लगा, इतने टाइम बाद यहाँ आती क्योंकि एक टाइम पर मैंने यहाँ पे अपनी एजुकेशन भी कम्प्लीट की थी। और ये देखो सारे अपने काम में लगाए, ये आए हैं खाना बनाने के लिए, ये बहुत अच्छा टेस्टी
खाना बनाते हो, खीर बनाते हो, उनके हाथ का खाना कभी खाने के सच में गई हो। और यहाँ पे वो मेरी नानी जो रूम जो स्टोर रूम कर चुके हैं, अभी तो मैं नानी नहीं है, नाना नानी, और मैं बहुत ज्यादा मिस करती हूँ अपने नानी को, ये मेरी नानी। और यहाँ पे चल रहे खाने का सब प्रिपरेशन, और ये मेरा मामा का छोटा बेटा जो अपना ढोल लेके घूम रहे हैं, और इनके कुछ गॉसिप चल रहे होंगे। और फिर मैं चली अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने, जो मेरी सिक्स स्टैंडर्ड से फ्रेंड है, और बहुत टाइम बाद में मिलूंगी। मतलब सबको अपने अपने काम में बिजी होते, इतना नहीं मिलता, पर जब भी मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है। मेरा डिलीशियस खाना और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो अपनी कीमती शक्ल ऐसे मुफ्त में दिखाए तो बर्बाद नहीं करना चाहिए। खाना बहुत अच्छा है, उसके बाद सबको बाय बोल के हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ, और फिर वहाँ जाके शुरू हो रहा है हमारा पैकिंग। और कल सुबह सुबह है हमारी ट्रेन दिल्ली के लिए। बाय, गुड नाइट।